कई लोग थे जिन्होंने हमारे बीच की घटनाओं के बारे में लिखने की कोशिश की। उनके बारे में हमें बताया था यीशु के साथियों और वचन के रखवालों ने, और मैं भी उनमें शामिल था। मैंने बारीकी से जांच की हर एक चीज की, ताकि सारी बातें मैं विस्तार से लिख सकूं आपकी जानकारी के लिए मेरे दोस्तों, और आपको सच्चाई का रास्ता सही सही दिखा सकूं। जिब्राइल को ईश्वर ने भेजा था गलील के एक कस्बे में, जिसका नाम था नाजरत, एक कुंवारी लड़की के पास जिसकी शादी यूसुफ से हुई थी। वो दाऊद के खानदान का था। उस लड़की का नाम था मरियम। तुम पर परमात्मा की कृपा हो, ईश्वर तुम्हारे साथ है, तुम स्त्रियों में धन्य हो। डरो मत मरियम, तुम्हें परमात्मा ने एक खास काम के लिए चुना है। तुम एक बेटे को जन्म दोगी जिसे दुनिया यीशु के नाम से जानेगी। वो महान होगा, ईश्वर की संतान कहलाएगा, और उसकी सत्ता कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन मेरी तो शादी नहीं हुई है, फिर कैसे? पवित्र आत्मा तुम्हारे भीतर आएगी और ऊपर वाला एक चमत्कार दिखाएगा। तुमसे जो बेटा पैदा होगा वो ईश्वर का बेटा कहलाएगा। तुम्हारी चचेरी बहन इलीशिबा को बुढ़ापे में एक बेटा पैदा होगा। उसे बांझ कहा जाता था, पर उसे 6 महीनों का गर्भ है। परमात्मा के लिए कुछ भी असंभव नहीं। जैसा मेरे ईश्वर चाहे, मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार हूं। की इच्छा सर आंखों पर। स्वर्गदूत जिब्राइल के आने के कुछ ही दिन बाद मरियम अपनी चचेरी बहन इलीशिबा के पास एनकरेम में गई। तुम स्त्रियों में धन्य हो मरियम, और तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा भी। जैसे ही तुम्हारी आवाज मेरे कानों में पड़ी, वैसे ही मेरा बच्चा भी खुशी से उछल पड़ा। हाँ, मैं धन्य हो गई। ईश्वर ने मुझे चुना है एक अच्छे काम के लिए। जकरिया और इलीशिबा के बच्चे के खतने का समय आ गया। जकरिया तो 9 महीनों से बहुत ज्यादा हैरत में था, ये क्या हो रहा है? इसका नाम इसके पिता पर रखा जाए जकरिया? नहीं, मैं इसका नाम यूहन्ना रखूंगी। लेकिन तुम्हारे किसी भी
रिश्तेदार का ये नाम तो नहीं है जकरिया? ये तब से खामोश है जब से इन्होंने स्वर्गदूत को देखा। योहन्ना, मेरा बेटा योहन्ना। योहन्ना, आज से इसका नाम है योहन्ना। तुम बड़े पैगंबर बनोगे, परमात्मा के बताए रास्ते को दुनिया को बताओगे, जीने का तरीका सिखाओगे, पापों की माफी दिलाओगे और मुक्ति का रास्ता हम सबको दिखाओगे। ये आखिर किस तरह का बच्चा होगा? ये वो युग था जब ऑगस्टस कैसर ने एक आदेश जारी कर दिया था कि साम्राज्य में जनसंख्या की गिनती की जाएगी। यूसुफ ने गलील के नाजरत शहर को छोड़ दिया और वो यहूदिया चला आया। वहां से वो दाऊद के शहर आया, जिसे बैतलहम कहा जाता था, ताकि इस शहर की गिनती में वो अपनी पत्नी के साथ शामिल हो सके जो मां बनने वाली। जब वो वहां पहुंचे थे तो उसके गर्भ के दिन पूरे हो गए। मैंने वहां भूसा बिछा दिया, तकलीफ के लिए माफ करना। सब ठीक हो जाएगा यूसुफ, परमात्मा पर विश्वास रखो। शुक्रिया। डरो मत, मैं सब लोगों के लिए एक अच्छी खबर लेकर आया हूं। आज वो पैदा हो चुका है दाऊद के शहर में, हम सबका रक्षक, जिसे दुनिया यीशु के नाम से जानेगी। इसका संकेत बता दूं, बच्चा कपड़े में लिपटा एक नांद के बाड़े में होगा। क्या तुम सब लोग नहीं जाने वाले हो? चलो देखते हैं कि परमात्मा ने क्या चमत्कार दिखाया है। चलो चलें।
सुनिए, क्या हम अंदर आ सकते हैं? एक स्वर्गदूत हमारे सामने आए, उन्होंने हमें बच्चे के जन्म के बारे में बताया। हमारा रक्षक, हमारा मसीहा। अंदर आ जाओ। क्या नाम है इसका? यीशु। तो आज से हम ये ऐलान करते हैं कि तुम यीशु कहलाओगे। यीशु, तुम्हारा नाम होगा यीशु। यरूशलम में एक व्यक्ति था जिसका नाम था शमौन। वो सही रास्ते पर चलने वाला इंसान था। पवित्र आत्मा ने उसे बताया कि उसकी जान तब तक नहीं जाएगी जब तक ईश्वर का मसीहा उससे नहीं मिलता। ईश्वर, अब मुझे मुक्ति दिलवा दीजिए, क्योंकि मेरी आंखों ने मसीहा को देख लिया है। वो सारी दुनिया का मसीहा है, दुनिया के लोगों के लिए रोशनी लेकर आया है वो। यह आपके ज्ञान की रोशनी है प्रभु, अब मुझे मुक्ति दिलवा दीजिए। जब उन्होंने परमात्मा के आदेश के अनुसार सारे काम कर लिए तो फिर वो सारे लोग गलील के शहर नाजरत गए। नहीं बेटे, ऐसे नहीं, इस तरह। सुनो बेटा, मैं कुछ ही देर में आया। ठीक है। वो लड़का बड़ा होकर एक बलशाली और होशियार लड़का बना, सही रास्ते पर चलने वाला। उस पर परमात्मा की
बहुत कृपा थी। उसकी मां अपनी इस खुशनसीबी पर पल पल निहाल होती रहती थी और इस तरह यीशु एक बहुत होशियार और सदाचारी इंसान बने, ईश्वर के रास्ते पर चलने वाले। जब तिबिरियुस कैसर के साम्राज्य का 15वां साल चल रहा था, उन दिनों में यहूदिया का उसका एक राज्यपाल था जिसका नाम था पुंतियुस पिलातुस और गलील का राज्यपाल जिसका नाम था हेरोदेस। तभी जकरिया के बेटे यूहन्ना पर परमात्मा का एक आदेश आया। वो जंगल में था। मैं ही हूं जो जंगल में पुकार रहा है, प्रभु का मार्ग तैयार करो। वो मार्ग एकदम ही सीधा होगा, हर घाटी भर जाएगी, हर पहाड़ और हर चोटी को नीचा कर दिया जाएगा। बुरे लोग सीधे साधे बन जाएंगे, ऊबड़ खाबड़ जगह सपाट बन जाएंगी। ये सब परमात्मा का चमत्कार होगा। जहरीले लोगों सुन लो, संभल जाओ वरना परमात्मा का अभिशाप तुम पर बरसेगा। माफ कर दिया जाएगा अगर अभी माफी मांगोगे। ये कहना बंद करो कि इब्राहिम तुम्हारे पिता हैं। कान खोल कर सुन लो तुम सब लोग कि परमात्मा इन पत्थरों से इब्राहिम के बच्चों को पैदा कर सकता है। तुम्हारे पेड़ों की जड़ें कटने के दिन करीब आ गए हैं। हर वो पेड़ जो फल नहीं देगा उसे काट दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, आग में फेंक दिया जाएगा। मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा कर सकता हूं, पर वो मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली है, वो आ रहा है, और उसके सामने मेरी हैसियत कुछ भी नहीं है। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा करेगा। पवित्र आत्मा ने उसके भीतर प्रवेश किया। वो एक सफेद कबूतर की शक्ल में आई थी और आसमानों से एक आवाज आई जिसने कहा, तुम मेरे प्यारे बच्चे हो, मैं तुमसे बहुत खुश हूं। पवित्र आत्मा यीशु को 40 दिन तक रेगिस्तान में ले गई। शैतान इस दौरान उन्हें लालच देता रहा, पर इस बीच यीशु ने कुछ भी नहीं खाया। देश है, इंसान को सिर्फ खाने के लिए नहीं जीना चाहिए बल्कि ईश्वर का हर शब्द पालना चाहिए। जब शैतान यीशु को ललचाकर थक गया तो वो कुछ वक्त के लिए लौट गया। इसके बाद यीशु गलील के एक शहर आ गए जिसका नाम था कफरनहूम।
आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें इंसानों का मछुआरा बना दूंगा। और सप्त के दिन से यीशु शिक्षाएं देने लगे। उनकी शिक्षाओं से सब लोग आश्चर्य में थे, क्योंकि वो अधिकार से बात करते थे। क्या एक अंधा दूसरे को रास्ता दिखा सकता है? ऐसे में तो दोनों गड्ढे में गिर जाएंगे। एक शिष्य गुरु से बढ़कर नहीं होता, लेकिन अगर शिष्य होशियार हो तो वो गुरु जैसा बन सकता है। तुम्हें अपने भाई की आंखों का छोटा तिनका नजर आता है, जबकि अपनी आंखों में लगा बड़ा सा तिनका नजर नहीं आता। तुम अपने भाई से यह कैसे कह सकते हो कि मैं तुम्हारी आंखों से तिनका निकाल देता हूं? अजीब बात है ना, अपनी आंखों का तिनका तुम्हें नजर नहीं आता और तुम कहते हो कि तुम दूसरों की आंखों का तिनका निकाल सकते हो। तुम्हारी बातें मुझे अच्छी नहीं लग रही नाजरत के यीशु। मुझे तकलीफ हो रही है, तुम मुझे तबाह कर दोगे। मैं जानता हूं तुम कौन हो, तुम परमात्मा के बेटे हो। निकल जाओ इसके अंदर से। का धन्यवाद यीशु। आप कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। मुझे परमात्मा के साम्राज्य के दूसरे शहरों में भी भलाई के संदेश पहुंचाने हैं, इसी वजह से मुझे भेजा गया है। दो आदमी मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। उनमें से एक फरीसी था और दूसरा कर वसूलने वाला। फरीसी ने मंदिर में प्रार्थना करनी शुरू की कुछ इस तरह, परमात्मा तेरा धन्यवाद
मैं दूसरों की तरह बिल्कुल नहीं हूं, धोखेबाज, अन्याय करने वाला, अवैध संबंध रखने वाला, और ना ही मैं इसकी तरह कर वसूलता हूं। हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूं, कमाई की 10% दान करता हूं, लेकिन वो कर वसूलने वाला वहीं पर खड़ा था। उसने ना आंखें बंद की ना आसमान की तरफ देखा, अपना सीना पीट के कहा, परमात्मा कृपा करो, मैं एक पापी हूं। वो घर गया संतुष्ट होकर, क्योंकि फरीसी आदमी से उसका ईमान ज्यादा बड़ा था। जो भी अपनी तारीफ खुद करेगा शर्मिंदा होगा, जो हमेशा विनम्र रहेगा वही बड़ा बनेगा। तुम्हारे पाप माफ कर दिए गए। ये कौन है जो हमारे सामने लोगों को बहका रहा है? कौन माफ करेगा इंसानों के पापों को? सिर्फ ऊपर वाला। मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। क्या कहना ठीक रहेगा, ये कहना कि तुम्हारे पाप माफ कर दिए जाएंगे, या ये कहना कि उठो और चलने लगो, ताकि तुम्हें पता चले कि मैं परमात्मा का बेटा हूं, मुझे पूरा अधिकार है पापों को माफ करने का। चलो अब उठ जाओ, खड़े हो, बिस्तर से नीचे आओ और अपने घर चले जाओ। धन्यवाद यीशु, परमात्मा तेरा धन्यवाद, यीशु आपका धन्यवाद। देखो मैं बिल्कुल ठीक हो गया, परमात्मा ने मुझे ठीक कर दिया, कमाल हो गया। देखा परमात्मा का चमत्कार, मैं तंदुरुस्त हो गया। देखा आप लोगों ने, मैं चल सकता हूँ, बरसों से बीमार पड़ा था, ये तो गजब हो गया। परमात्मा तेरी मेहरबानी, यीशु तेरी। एक दिन सुबह सुबह उन्होंने अपने चेलों को बुलाया, उनमें से 12 उन्होंने चुन लिए और उन्हें प्रचारक नाम दिया। उनमें एक था शमौन, जिसे उन्होंने पुत्रोस नाम भी दिया, और उसका भाई अंद्रियास, याकूब, योहन्ना, फिलिपुस, बर्तुल्मे, मत्ती, थोमा, और हलफई का पुत्र याकूब, और शमौन जो जेलोतेस कहलाता है, और याकूब का बेटा यहूदा, और यहूदा इस्करियोती, जिसने उन्हें बाद में धोखा दिया। तुम लोग भले गरीब हो,
पर तुम पर परमात्मा की कृपा है। तुम भले ही भूखे और बेहाल हो पर तुम्हें संतुष्ट किया जाएगा। जो दुखी है वो परमात्मा की कृपा में है। आगे खुशियां आएंगी। जो तुमसे नफरत करते हैं कल तुम्हें प्यार करेंगे। आज जो ठुकराते हैं, तुम्हें दुत्कारते हैं, बुरा कहते हैं, कल विश्वास करेंगे तुम सब पर। इस बात से खुश हो जाओ कि इसका नतीजा तुम्हें स्वर्ग में जरूर मिलेगा। पैगंबरों के साथ उनके पिता ने भी यही किया था। पर जो धनवान हैं उनके लिए दुख है। उन्हें सुख सुविधाएं मिल गई हैं। आज जिनके पेट भरे हुए हैं कल उन्हें भूखा रहना होगा। जो लोग आज बहुत ज्यादा हंस रहे हैं कल वो रोएंगे, वो अफसोस करेंगे। और आज जो लोग तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव कर रहे हैं उनके पिताओं ने नकली पैगंबरों के साथ भी यही किया था। लेकिन मैं कहता हूं तुम लोग अपने दुश्मनों से भी बहुत प्यार करो। जो तुमसे नफरत करते हैं उनका भला करो। उनका भी जो तुम्हें अभिशाप देते हैं, और जो तुमसे बुरा बर्ताव करते हैं उनका भी। जो तुमसे प्यार करते हैं उन्हें प्यार करना कोई बड़ी बात नहीं है। पापी भी उनसे प्यार करने वालों को प्यार करते हैं। तुम्हें दया करनी चाहिए क्योंकि तुम्हारे पिता ने की। फैसले से बचना है तो फैसला मत करो। किसी को लानतें मत दो तो तुम भी लानतों से बचे रहोगे। माफी दो ताकि तुम्हें भी मिल सके। जो बर्ताव तुम दूसरों के साथ करोगे तुम्हारे साथ वही होगा। रोइए मत। ए नौजवान, खड़े हो जाओ, उठो। मैंने इसे रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुआ। प्रभु छोड़ दो इसे पुत्रोस।
शिशु, मेरे प्रभु, माफी दे दो मेरे प्रभु। अगर ये आदमी पैगंबर है तो इसे पता होता कि किस तरह की औरत इसे इस वक्त छू रही है। ये पापी औरत है। शमौन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। कहिए, बताइए क्या कहना है यीशु। दो आदमियों ने उधार लिया था एक ही साहूकार से। एक ने 500 दिनार लिए और दूसरे ने 50। दोनों की ही हैसियत उधार लौटाने की नहीं थी, तो उसने उधार माफ कर दिया। बताओ कौन उसे ज्यादा प्यार करेगा? वो आदमी जिसका ज्यादा उधार साहूकार ने माफ किया है। तुमने बिल्कुल सही कहा। इस औरत को देख रहे हो? जब मैं तुम्हारे घर आया, तुमने एक बार भी मेरे पैर नहीं धोए, लेकिन इसने अपने आंसुओं से मेरे पैर धो दिए और अपने बालों से पोंछ दिए। तुमने तो मुझे चूमा तक नहीं, पर जैसे ही आए ये मेरे पैर चूमने लगी। तुमने मेरे बालों में तेल नहीं लगाया, पर इसने मेरे पैरों पर इत्र लगा दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसके सारे पाप माफ कर दिए गए हैं, क्योंकि इसने बहुत प्यार दिया। और जो कम माफी का हकदार है वो प्यार भी कम करता है। तुम्हारे पाप माफ कर दिए गए। ये कौन होता है पापों को माफ करने वाला? तुम्हारी आस्था ने तुम्हें बचा लिया, अब फिक्र मत करो। यीशु, हमें पता है आपको परमात्मा ने हमें सिखाने भेजा है, और आपकी एक एक बात में हमें परमात्मा का संकेत मिल रहा है। क्या वो सच में आपके साथ है? जहां तक सच्चाई का सवाल है, परमात्मा के साम्राज्य को देखने के लिए हर किसी को दोबारा जन्म लेना होगा। लेकिन बूढ़ा आदमी भला फिर से कैसे पैदा हो सकता है? बताइए, क्या वो दोबारा मां के पेट में जा सकता है? क्या यह संभव है? अगर है तो कैसे? मैं पूरे ईमान के साथ कहता हूं, परमात्मा की सत्ता में कोई भी नहीं जा सकता जब तक कि पानी और पवित्र आत्मा से उसका दोबारा जन्म नहीं होता। जो शरीर से पैदा हुआ है वो तो शरीर ही है, और जो आत्मा से पैदा हुआ है वो आत्मा है। इसीलिए हैरत की बात नहीं है कि मैंने तुमसे दोबारा पैदा होने को कहा है। जहां मर्जी होती है हवा वहां बहती है, और तुम आवाज सुनते हो, पर तुम्हें नहीं पता कि वो कहां से आती है और कहां जा रही है। यही आत्मा से पैदा हुए लोगों के साथ होता है। मगर आप जो कह रहे हो वो कैसे मुमकिन है? सांसारिक चीजों के बारे में बताने पर यकीन नहीं कर रहे तो दैविक चीजों के बारे में कैसे विश्वास करोगे? आप बताइए तो सही। परमात्मा को संसार से इतना प्यार है कि उसने अपने बेटे को भेज दिया है कि जिस किसी को उस पर विश्वास हो वो खत्म ना हो बल्कि हमेशा के लिए अमर हो जाए। उसने अपने बेटे को दुनिया को बचाने के लिए भेजा है, उसे बर्बाद करने के लिए नहीं। इसके बाद वो यहूदिया से रवाना हो गए और गलील वापस चले आए। इस सफर में उन्हें सामारिया को पार करना था, इसलिए वो याकूब के कुएं पर आए। भाइयों,
जहाँ तक मुझे लगता है इस पहाड़ पर खाना मिलना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, तो चलो शहर की तरफ चलते हैं। हम सामारिया चलते हैं, वहाँ जरूर कुछ मिलेगा। मुझे पानी चाहिए। मैं तुम्हें पीने के लिए पानी नहीं दे सकती क्योंकि तुम यहूदी हो और मैं सामारिया की हूं। यहूदियों की सामारिया के लोगों से नहीं बनती। परमात्मा के उपहार को तुम नहीं जानती, यह भी नहीं कि कौन पानी मांग रहा है। अगर तुम उससे मांगती तो वो तुम्हें जीता जागता पानी देता। देखिए, आपके पास बाल्टी नहीं है और कुआं बहुत गहरा है, तो फिर आपको पानी कैसे मिलेगा? जो भी ये पानी पिएगा वो फिर प्यासा हो जाएगा, लेकिन अगर कोई मेरा दिया पानी पी सकेगा तो उसे कभी भी प्यास नहीं लगने वाली। मैं उसे जो पानी दूंगा वो ऐसा फवारा बन जाएगा जो कभी भी खत्म नहीं होगा। तो मुझे वो पानी दे दीजिए ताकि तकलीफ मिट जाए और मुझे बार बार इस कुएं से पानी निकालने के लिए नहीं आना पड़े। अपने पति को यहां लेकर आओ। मेरा कोई पति नहीं है। तुमने सही कहा कि तुम्हारा कोई पति नहीं है, पर तुम्हारे 5 पति थे, लेकिन जिसके साथ तुम अब रह रही हो वो तुम्हारा पति नहीं। क्या आप कोई पैगंबर है? हमारे पिता यहां पर आराधना करते थे और आपका दावा है कि हमें सिर्फ यरूशलम में ही आराधना करनी चाहिए और कहीं नहीं? वो वक्त करीब आ रहा है। नहीं, वो आ चुका है जब सही आस्था वाले परम पिता और पवित्र आत्मा की आराधना करेंगे। परम पिता को ऐसे ही अनुयायी चाहिए। ईश्वर आत्मा है, अगर हमें उनकी आराधना करनी है तो अंतरात्मा से, सच्चे मन से। ये देखिए यीशु, हम सामरिया से खाना लेकर आए हैं। आप भी थोड़ा खा लीजिए प्रभु। मेरे पास ऐसा खाना है जिससे तुम सब अनजान हो। सामरिया के कई लोगों ने यीशु पर विश्वास किया। वो वहां 2 दिन तक रुके और उन लोगों ने उस औरत से कहा, अब हमें विश्वास है, तुम्हारे कहने से नहीं बल्कि उन बातों की वजह से जो हमने सुनी है। ये व्यक्ति सही मायनों में दुनिया का रखवाला है और हमारे लिए एक रोशनी लेकर आया है। उनके चारों तरफ लोगों की भीड़ जमा थी और अलग अलग शहरों के लोग उनके पास आ रहे थे। उनसे वो कहानियों के जरिए अपनी बात कह रहे थे। एक किसान अपने बीज बोने गया और उसने बीज बो दिए। कुछ बीज सड़क के किनारे गिर गए, लोगों के पैरों के नीचे कुचल गए और पंछियों ने उन्हें खा लिया। और कुछ बीज पत्थर पर गिर गए और उग नहीं पाए क्योंकि उन्हें नमी बिल्कुल नहीं मिली।
कुछ बीज कांटों के बीच गिर गए। कांटे बड़े हुए और बीजों को बढ़ने नहीं दिया और बाकी के बीज जमीन पर गिरे। उन्हें नमी मिल गई और 100 गुना अच्छी फसल तैयार हो गई। तो जो सुनना चाहते हैं उन्हें सुनने दो। एक बात बताइए, इस कहानी का मतलब क्या है? बीज और किसान की कहानी? जी हाँ यीशु, हमें इसका मतलब समझाइए ना। ये कहानी परमात्मा की सत्ता के रहस्य को बताती है। अब ध्यान से सुनो, ये जो बीज हैं परमात्मा के शब्द हैं और जो सड़क पर गिर गए ये वो हैं जिन्होंने शब्दों को सुना तो सही पर शैतान ने आकर उन शब्दों का असर खत्म कर दिया ताकि उन्हें विश्वास ना हो। और जो पत्थर पर गिर गए ये वो हैं जिन्होंने ईश्वर के शब्द खुशी खुशी सुने पर जड़ें तो थी नहीं, थोड़ी देर तो विश्वास किया, फिर जब इम्तिहान की घड़ी आई तो लालच उन पर हावी हो गई। और जो कांटों के बीच गिरे ये वो लोग हैं जिन्होंने शब्दों को सुना तो जरूर पर वो दुनिया की सुख सुविधाओं में लग गए और इन शब्दों को अपना नहीं पाए। जो उपजाऊ जमीन पर गिरे ये वो हैं जिन्होंने सच्चे दिल से इन शब्दों को सुना, उन पर यकीन किया और आस्था रखी, फिर भलाई के रास्ते पर चल पड़े। बपतिस्मा वाले यूहन्ना को हेरोदियस के किले में कैद कर दिया गया। एक रात हेरोदियस के सम्मान में एक शानदार उत्सव का आयोजन किया गया। हेरोदियस, मेरी प्यारी रानी, तुम्हारी बेटी ने दरबार में जैसे जान हिला दी है। मेरे जन्मदिन पर उसके पास एक बेमिसाल उपहार है। सलोमे, आपके दरबार में आपके लिए हाजिर है महाराज। मांगो, क्या मांगती हो तुम? हर मांग पूरी की जाएगी। जो मांगूंगी वो देंगे। हाँ, तुम जो मांगोगी हम देंगे। चाहिए तो तुम्हें हम अपनी आधी रियासत भी देने को तैयार हैं। सलोमे, यहां आओ मेरे पास। इनसे कहो कि मुझे बपतिस्मा वाले यूहन्ना का सिर चाहिए, जाओ उनके पास। लेकिन आधी रियासत दे रहे। यूहन्ना ने मेरी बेइज्जती की थी, राजा पर उसका असर गहरा हो रहा है। अपनी मां के लिए इतना भी नहीं करोगी? सलोमे,
तुम्हें ये करना होगा। आपकी खातिर कुछ भी करूंगी माँ, मुझे तो वही चाहिए, बपतिस्मा वाले योहन्ना का सिर इसी वक्त एक थाली में। इसने जैसा कहा वैसा ही हो। बपतिस्मा वाले योहन्ना का सिर कलम कर दो। लंगड़ा चल पाएगा, अंधा देख सकेगा, बहरे सुन सकेंगे और मरे हुए में जान आ जाएगी। सुनो तुम लोग, देखना मेरी बात बिल्कुल सही। हज़ेकिया कानून पढ़ाते हैं और वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ पूछिए हज़ेकिया। एक सवाल है ईशु, मुक्ति पाने के लिए बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है क्या करना चाहिए? अपने ईश्वर से प्यार करो और सच्चे दिल से करो, अंतरात्मा से, पूरी ताकत से, पूरे मन से करो। हाँ, और अपने पड़ोसी से भी। तुमने सही जवाब दिया, जीवन भर यही करना। ठीक है, तो आखिर मेरा पड़ोसी है कौन? एक बार एक आदमी यरूशलेम से यरीहो जा रहा था, उसे चोरों ने घेर लिया, कपड़े उतार दिए, मारपीट भी की और फिर उसे जिंदगी और मौत से जूझता हुआ छोड़ गए। और संयोग की बात है, उस सड़क से एक पादरी जा रहा था, उसने देखा और मदद किए बिना वो दूसरी तरफ चला गया। इसी तरह से एक लेवी भी उसी जगह से गुजरा, उसकी नजर उस घायल आदमी पर पड़ी पर उसने मदद नहीं की और वो भी उसे अकेला छोड़ अपने रास्ते पर चला गया। इसके बाद वहां से गुजरा एक सामारी यात्री, उसने देखा तो उसे उस पर दया आ गई, दिल पसीज गया, उसने घावों पर मरहम लगाया, उन पर तेल और शराब लगाई, उसे उठाया और उसे एक धर्मशाला में ले गया, वहां उसकी देखभाल की, उसे आराम दिया। एक दिन बाद जब वो गया तो उसने 2 दिनार निकाले और देखभाल करने वाले को दिए। दिनार देते हुए उसने उस आदमी से कहा, जितना भी खर्चा हुआ मैं जब भी वापस लौटूंगा तब मैं तुम्हें सब चुका दूंगा, तो बताओ कि तुम्हें क्या लगता है उन तीनों में से उसका सच्चा पड़ोसी कौन साबित हुआ? वही जिस आदमी ने उस पर कृपा की और उसकी मदद की। जाओ और तुम भी यही करो जो उस आदमी ने किया।
यीशु, हमें प्रार्थना करना सिखाइए ना। जी हाँ यीशु, हमें प्रार्थना करना सिखाइए। ठीक है, जब तुम प्रार्थना करो तो अपने मन के भीतर जाओ और दरवाजे बंद कर लो, परमात्मा से प्रार्थना करो। बेकार के शब्दों को बार बार दोहराना सही मायनों में प्रार्थना नहीं है। मांगने से पहले परमात्मा को पता होता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो इस तरह प्रार्थना करनी चाहिए। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए और तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा कर दिया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें हर बुराई से बचा। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें हर बुराई से बचा। सुनिए यीशु, मैं जानना चाहता हूं कि ईश्वर की सत्ता कब आएगी। क्या वो जल्द ही आने वाली है? ईश्वर की सत्ता ऐसे नहीं आएगी कि तुम्हें फौरन पता चल जाए। कोई नहीं कहेगा कि सत्ता आ गई, ईश्वर के दिन आ गए। ईश्वर की सत्ता तो तुम्हारे भीतर है। जैसे कि आसमान के एक तरफ बिजली चमकती है तो दूसरी तरफ रोशनी आती है, ऐसा ही होगा जब ईश्वर का बेटा लौटेगा। पर पहले उसे दुख झेलने होंगे, दुनिया उसे ठुकराएगी, उसे बहुत पीड़ा देगी। आइए यीशु, यहां बैठिए। देखो देखो, यीशु आ गए, हमें आशीर्वाद दीजिए। यीशु को तंग मत करो, चलो बच्चों पीछे हट जाओ, भीड़ मत लगाओ, चलो चलो पीछे हटो, हम यहाँ कुछ जरूरी बातें करने आए हैं, जाओ यहाँ से। अरे बच्चों को मत रोको, आने दो इन्हें, परमात्मा इन बच्चों के अंदर ही तो रहते हैं। जो भी इन बच्चों की तरह ईश्वर की सत्ता को अपने भीतर नहीं उतारता उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। सुनिए यीशु, बताइए कि मुक्ति पाने के लिए मुझे क्या करना होगा। तुम्हें आदेश तो पता है ना, अपने मां बाप की इज्जत करो। किसी का कत्ल मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, अवैध संबंध मत रखो। पर यीशु, ये तो मैं बचपन से ही करता आ रहा हूं। तुम में अब भी एक कमी है, जो कुछ है सब बेच दो और गरीबों में बांट दो, तुम्हें स्वर्ग में खजाना मिल जाएगा, उसके बाद मेरे साथ आओ। प्रभु, अब आप कहां जाएंगे? हम सभी यरूशलम रवाना हो रहे हैं। अब समय आ गया है कि ईश्वर के बेटे को गैर यहूदियों को सौंप दिया जाए। उसका मजाक उड़ेगा, बुरा सलूक होगा,
उस पर थूका जाएगा, चाबुक मारे जाएंगे, उसकी जान ली जाएगी। तीसरे दिन वो फिर जी उठेगा। हे यरूशलम, हे यरूशलम, पैगंबरों को मारना और उन पर पत्थर फेंकना, मैं कब से चाहता था कि तुम्हारे बच्चों को इकट्ठा कर दूं, जिस तरह से एक मुर्गी अपने सारे चूजों को एक साथ जमा कर लेती है अपने पंखों के भीतर, पर तुम राजी नहीं हो। यीशु एक विजेता की तरह यरूशलम में दाखिल हुए। लोगों ने उनके जिंदाबाद के नारे लगाए, यीशु जिंदाबाद, परमात्मा का बेटा हमारे बीच आ गया, यीशु की विजय हो, स्वर्ग में शांति हो, परमात्मा की जय हो। यीशु, अपने शिष्यों को डांटिए। अगर मैंने डांटा ये शांत तो हो जाएंगे, लेकिन पत्थर बोल पड़ेंगे। लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना करने वालों का घर कहलाएगा, लेकिन तुम लोगों ने तो इसे चोरों का अड्डा बना दिया है। ये बताओ, तुम ये सब किस हैसियत से कर रहे हो? मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, जवाब जरूर दो। बताओ, यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग से था या मनुष्य से? अगर हम कहेंगे कि स्वर्ग से था तो ये हमसे पूछेगा उस पर विश्वास क्यों नहीं किया, और अगर हम कहेंगे कि मनुष्यों से था तो ये लोग पत्थर से मारेंगे, क्योंकि इन्हें यकीन है कि यूहन्ना पैगंबर था। हमारे पास कोई जवाब नहीं, तो मैं भी ये नहीं बताऊंगा कि मैं ये सब किस हैसियत से कर रहा हूं। चलो अन्नास, हमें बहुत सारा काम है। क्या मेरे लिए अच्छी खबर लाए हो? हम उसे मंदिर में गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे, काफी लोग उसके साथ होंगे, वहां मारकाट मच सकती है। नहीं, नहीं, इस तरह तो नहीं चलेगा, हमें उससे निपटना पड़ेगा। हमें उसके अनुयायियों में से ही कोई चाहिए जो उसकी अंदरूनी हरकतों को अच्छी तरह से जानता हो। ऐसे सबूत जमा कर लो जिससे ये साबित हो कि वो रोम का विरोधी है, इससे काम बन जाएगा। रोमन लोग मसीही लोगों से नफरत करते हैं, उतनी ही नफरत जितनी हम करते हैं, पर हमारे बीच बहुत फर्क है, वो हमारी सामाजिक हैसियत के लिए खतरा है,
जी आपने बिल्कुल सही कहा। हमें उसे फंसाना ही होगा और उसे रोम की सत्ता के सामने पेश करना होगा। हमें बताइए यीशु, दुनिया का अंत कब होगा? बहकावे में मत आना। मेरे बाद कई लोग तुम लोगों के सामने आएंगे और तुमसे कहेंगे कि अंत बहुत जल्द आने वाला है। उनकी सुनना मत। जब तुम्हें उथल पुथल नजर आएगी, जंग नजर आएगी, तो घबराना मत। ये सारी दुर्घटनाएं तो होती रहेंगी, पर अंत वो इतनी जल्दी और आसानी से नहीं आने वाला है। कई देश एक दूसरे से लड़ेंगे, साम्राज्य आपस में टकराएंगे और कई जगहों पर भयानक भूकंप भी आएंगे, सूखा भी पड़ेगा, महामारियां आएंगी। लेकिन इससे पहले तुम्हें पकड़ लिया जाएगा, तुम पर बहुत ज्यादा अत्याचार किए जाएंगे, तुम्हें सताया जाएगा, तुम्हें बंदी बनाया जाएगा, कैद किया जाएगा, राजाओं के सामने पेश किया जाएगा, राज्यपालों के भी, वो भी मेरी वजह से। पर ये एक तरह से तुम लोगों की परीक्षा होगी। अब ये कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, हमें इसे रोकना होगा। इसे रोकने का एक तरीका है मेरे पास। यीशु, यीशु, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। हम जानते हैं कि आप सबको ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलना सिखाते हैं। आप कोई भेदभाव नहीं करते। आप सबको परमात्मा का रास्ता बताते हैं। तो बताइए, क्या हमें महाराज कैसर को कर अदा करना चाहिए, हाँ या नहीं? मुझे ये सिक्का दिखाइए। बताइए, इस पर किसका सिर बना हुआ है? कैसर का। जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो ईश्वर का है वो उसे दो। अब इस बात पर तो कोई बहस की ही नहीं जा सकती। मुंशियों से बचकर रहना, जो शानदार चोगे पहनकर घूमते हैं और चाहते हैं कि जनता उन्हें सलाम करती चले, मंदिरों में ऊंची जगह बैठते हैं और उत्सवों में सम्मान पाते हैं, वो विधवाओं का खून चूसते हैं और लंबी आराधना का दिखावा करते हैं, इनसे बचकर रहना। मैं तुमसे सच कहता हूं, ये जो गरीब विधवा है इसने यहां सबसे ज्यादा पैसे डाले हैं, क्योंकि सभी लोग अपने खजाने में से थोड़े पैसे डालते हैं, पर इसने तो अपने सारे पैसे जो इसके पास थे इसने यहां डाल दिए।
बिना खमीर वाली रोटी की दावत, जिसे फसाह कहते हैं, करीब थी। मुख्य पुजारी और मुंशी यीशु को मारना चाहते थे। वो तरकीबें लगा रहे थे क्योंकि उन्हें लगता था जनता उनके खिलाफ हो जाएगी। हम मानते हैं कि यीशु को रोकना जरूरी है। अगर वो इसी तरह बढ़ता रहा तो जनता हमारे खिलाफ हो जाएगी। अगर वो इसी तरह आगे बढ़ता रहा और हमने कुछ ना किया तो हम कमजोर नजर आएंगे। अगर हम इसी तरह चुप रहे तो लगेगा कि हम उसकी बातों से सहमत हैं। अगर ऐसा हुआ तो लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे। एक आदमी है जो हमारे काम आएगा। यही है वो आदमी जिसकी मैं बात कर रहा था। ये हमारा साथ देने को तैयार है। बताओ, क्या तुम हमें उस तक पहुंचा सकते हो? हाँ, पहुंचा सकता हूं। याद रहे वो बहुत सुनसान जगह होनी चाहिए, आसपास ज्यादा लोग ना हो। मुझे ऐसी जगह पता है, पर पहले मुझे सिक्के चाहिए। 30 सिक्कों की बात हुई है ना? जी हाँ। काम होने के बाद मिल जाएंगे। तो फिर आप लोगों से जल्द ही मुलाकात होगी। तो फिर हमारी योजना तय रही। अब आपको तसल्ली हो गई? हाँ, बहुत बढ़िया नास। और आखिर फसाह का दिन आ गया, बिना खमीर वाली रोटी और भेड़ की कुर्बानी वाला दिन। यीशु ने पुत्रोस और योहन्ना को यह कहकर भेजा कि जाओ तैयारी करो ताकि हम फसाह की दावत खा सकें। मैं सबके साथ इस फसाह का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। इसके बाद यातना है, ये मेरा आखिरी फसाह होगा। इसके बाद मुझे परमात्मा के घर जाना है। हे परमात्मा, तेरा धन्यवाद कि तूने हमें आज ये रोटी नसीब कराई है। मेरा ये शरीर तुम लोगों के लिए है। मेरी याद में ये दावत करना। परमात्मा तेरा धन्यवाद। परमात्मा, इस संसार के मालिक, आपने ही पेड़ों पर फल उगाए हैं। ये प्याला इंसान और मानव के बीच समझौता है। Thank you.
मेरे प्रभु, क्या आप मेरे भी पैर धोएंगे? इसे तुम अभी नहीं समझ पाओगे और जल्दी तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। नहीं, आपको मेरे पैर नहीं धोने चाहिए। अगर मैंने यह नहीं किया तो तुम मुझसे अलग हो जाओगे। यीशु, सिर्फ मेरे पैर ही नहीं, मेरे हाथ और मेरा सिर भी धो दीजिए। जो नहा चुका है उसे सिर्फ पैर धोने की जरूरत पड़ती है, शरीर का बाकी हिस्सा साफ है। और तुम सब साफ हो। एक को छोड़कर जानते हो मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है? तुम मुझे प्रभु और मालिक कहते हो, ठीक है, मैं तुम्हारा मालिक हूं, यह सच है। अगर मैंने प्रभु होकर, मालिक होकर तुम्हारे पैर धोए हैं तो तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए, एक दूसरे के पैर धोने चाहिए। जो मुझे धोखा देने वाला है वो इस समय मेरे साथ है। ईश्वर के बेटे को आदेश के अनुसार जाना ही होगा, पर उसके लिए दुख है जो मुझे धोखा देने वाला है। वो मैं नहीं हूं। पर ऐसा करने की जरूरत कौन करेगा? इसमें कोई शक नहीं है कि एक शख्स पर ये जरूरत से ज्यादा भरोसा करते हैं। पुत्रोस, तुम हमें क्या समझते हो? क्या हम सब तुम्हारे नौकर हैं? तुम चुप रहो। पुत्रोस तो यीशु के दाहिने हाथ की तरह है। ये बात सही है पुत्रोस, तुम किसी भी तरह से यीशु के दाहिने तरफ ही आखिर क्यों बैठना चाहते हो? वो इसलिए क्योंकि मैं इनका सबसे खास हूँ। जो तुम्हारे बीच सबसे महान है उसे सबसे छोटा बनने दो, क्योंकि मैं तुम्हारे बीच सेवा के लिए आया हूं। यही वो रात है जब तुम सब बिखर जाओगे, क्योंकि ऐसा लिखा है, मैं चरवाहे पर हमला करूंगा और सारी भेड़ें बिखर जाएंगी। सब चले जाएं, फिर भी मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगा। शमौन, शमौन, शैतान ये चाहता है कि तुम बिना कुछ किए ऐसे ही बैठे रहो, पर मेरी प्रार्थना है कि तुम्हारी आस्था जरा भी बिखरने ना पाए। आपके साथ में कैद होने के लिए तैयार हूं प्रभु, मैं आपके लिए अपनी जान। मैंने तुमसे कहा ना, आज मुर्गा भी बांग नहीं देगा जब तक तुम मुझे 3 बार पहचानने से इनकार नहीं करोगे।
प्रार्थना करो कि तुम लालच में नहीं पड़ोगे। परमपिता, अगर यही आपकी इच्छा तो मुझसे ये प्याला ले लीजिए, पर मैं आपकी इच्छा का पालन करूंगा, आपकी बात मानूंगा। परमपिता, अगर आपकी यही इच्छा है तो मुझसे ये प्याला ले लीजिए, पर मैं आपकी इच्छा का पालन करूंगा, आपकी बात मानूंगा। परमपिता, परमेश्वर, तुम सब सो क्यों रहे हो? उठो, प्रार्थना करो कि तुम लालच में नहीं पड़ोगे। क्यों यहूदा, चूम कर कहीं तुम मुझे धोखा तो नहीं देने वाले? क्या हम सब चोर हैं जो तुम हथियार लेकर आए हो? दिन में जब मैं तुम्हारे साथ मंदिर में था तब तो तुमने मुझे हाथ भी नहीं लगाया। क्या सारे गलत काम तुम अंधेरे में धोखे से करते हो? ले जाओ इसे। स्वागत है आपका, आप तो हमारे राजा हैं, स्वागत करो इनका। इनका स्वागत ऐसे करना है।
यही आदमी था उसके साथ। क्या कह रही हो? मैं तो उसे जानता भी नहीं। मेहमान नवाजी अब देखो। अब हम साथ साथ खेलेंगे। ए, तुम भी तो उन्हीं में से एक हो। क्या कह रहे हो? मैं वो नहीं हूं। रुको रुको रुको। किसने मारा तुम्हें? बताओ मुझे बताओ। मैंने नहीं मारा तुम्हें, लेकिन अब मारूंगा। चलो। मैं जानता हूँ ये आदमी उनके साथ ही घूमता था। ये गलील का ही रहने वाला है, मुझे यकीन है। कहा ना मैंने, मैं उसे नहीं जानता। आज मुर्गा भी बांग नहीं देगा जब तक तुम मुझे 3 बार पहचानने से इनकार नहीं करोगे। उठाओ उसे। ये आखिरी मौका है, सही अंदाजा लगाकर बताओ परमात्मा के बेटे, किसने मारा तुम्हें? बताओ बताओ मुझे। छोड़ दो इसे। यहां किस लिए आए हो तुम? ये रहे आपके सिक्के। हमारे सिक्के? ये तुम ही ने कमाए हैं। मैंने पाप किया है, एक बेकसूर को धोखा दिया है। वो तुम जानो, इसमें हम क्या कर सकते हैं? पहरेदारों, ले जाओ उसे। बोलो क्या तुम ही हो मसीहा? अगर मैं कहूंगा तो आप यकीन नहीं करोगे, और अगर पूछूंगा तो जवाब नहीं दोगे। आज के बाद ईश्वर का बेटा परमात्मा के दाहिनी तरफ बैठेगा। क्या तुम परमात्मा के बेटे हो? हाँ, मैं परमात्मा का ही बेटा हूं। क्या हमें और भी गवाहियां चाहिए? इसने खुद अपनी जबान से ही ये कहा है। ले जाओ इसे पिलातुस के पास, इसे सख्त सजा दी जाए। महाराज की जय हो। महाराज, ये जो व्यक्ति है
ये हमारे खिलाफ सारे शहरों में विद्रोह करवा रहा था। ये महाराज कैसर को सम्मान नहीं देता, ये खुद को एक मसीहा, एक राजा कहता है। क्या तुम यहूदियों के राजा हो? हमारा तो बस एक ही राजा है, कैसर। सिर्फ महाराज कैसर। ये आदमी कौन है? ये बहरूपिया है, भिखारी है, देखिए इसे। बताओ क्या तुम राजा हो? अगर आप कह रहे हैं तो हूं। मुझे इस आदमी में कोई दोष नजर नहीं आता। ये पूरे यहूदिया में लोगों को भड़काता फिरता है और कहता है उन्हें शिक्षा दे रहा है, यहां से लेकर गलील तक और मंदिर की सीढ़ियों पर भी। क्या ये आदमी गलील का है? जी हाँ। इसका मतलब ये मामला हेरोदियस का है, इसे उसके पास ले जाओ। लेकिन महाराज ये हेरोदियस तो यरूशलेम में ही है, मैं सही कह रहा हूँ ना? जी हाँ, वो यहाँ फसाई के लिए आए थे। तब तो मेरी राय है कि इसे हेरोदियस के पास ले जाया जाए, वहीं पर इसका फैसला किया जाएगा। आप नहीं कर सकते। इसे हेरोदियस के पास ले जाओ, इस शख्स का फैसला वही करेगा। देखिए, इससे मामला नहीं सुलझेगा, बल्कि और भी ज्यादा उलझ जाएगा। हम यहाँ बेकार उम्मीद लेकर आए थे। क्या यही है वो आदमी? जी हाँ महाराज हेरोदियस। बहुत गंदा दिख रहा है और बदबूदार भी। कल की रात इस पर बहुत भयानक गुजरी है सरकार। इसका कहना है कि ये एक राजा है। ओह, ऐसी बात है। लेकिन राजाओं के साथ तो ऐसा बर्ताव नहीं किया जाता है। मुझे इससे अकेले में बात करनी है। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, सच कहता हूं। तुम्हारे बारे में और भी जानना चाहता हूं। ये लोग कहते हैं कि तुमने मुर्दों को जिंदा कर दिया है, अंधे लोगों को नजरें दी, और लंगड़े लोग तुम्हारी वजह से चलने लग गए। हाँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूं बपतिस्मा वाले यूहन्ना के शिष्यों ने क्या कहा था उससे, जिससे उसका हौसला बहुत बढ़ गया था। वो खुश हो गया था। बहुत ही अजीब बात है ना? मैंने तो ये अफवाह भी सुनी है कि तुम पानी पर भी चल सकते हो। अच्छा, मेरा एक छोटा सा काम करो, छोटा सा, बहुत ही छोटा सा काम। मुझ में आस्था जगाओ। अच्छा, तो तुम मेरे सामने कुछ नहीं कहना चाहते? तुम जानते हो मैं कौन हूं? इस वक्त तुम्हारी जान मेरे हाथों में है। मैं चाहूं तो तुम्हें मार दूं, या फिर मैं चाहूं तो छोड़ दूं। विनती करो, रहम की भीख मांगो मुझसे। अब
अपनी जिंदगी के लिए तुम्हें मुझसे भीख मांगनी पड़ेगी, समझ में आया तुम्हें? सदोक! देखो क्या हाल हो गया है राजा का। उठा के ले जाओ इसे पिलातुस के पास। हम कैसर से मिलना चाहते हैं। क्या तुम सुन नहीं रहे? तुम्हारे ऊपर कितने आरोप लगाए गए हैं? क्या तुम इन आरोपों की सफाई में कुछ कहना चाहोगे? तो फिर ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। फैसला जनता करेगी। जाओ बराबास को लेकर आओ। तुम्हारी एक परंपरा है और वो ये कि फजह के दिन एक कैदी को रिहा किया जाता है। मेरे पास दो कैदी हैं, बराबास एक खूंखार मुजरिम और ये आदमी जो तुम्हारे सामने खड़ा है। बताओ इन दोनों में से किसे रिहा किया जाए, मुजरिम बराबास को या यीशु को जो खुद को मसीहा कहता है? बराबास! महाराज पिलातुस, आपकी पत्नी ने आपके लिए एक संदेश भेजा है। तो बोलो, जल्दी बोलो, क्या संदेश है? देख नहीं रहे, मेरे पास अभी वक्त नहीं है। उन्होंने कहा है कि इस बेकसूर आदमी से आपको क्या लेना देना है। इसकी वजह से कल रात उन्हें बहुत बुरे सपने आए थे। तो बताओ मैं इन दोनों में से किसे रिहा करूं? बराबर! तो फिर बताओ मैं इस यीशु का क्या करूं जो अपने आप को यहूदियों का राजा कहता है? इसे सूली पे चढ़ा दो। 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 लेकिन क्यों? इसने ऐसा क्या किया है कि इसे सजाए मौत दे दी जाए? सूली पे चढ़ा दो। सूली पे चढ़ाओ। 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 सरकार, इसे सूली पर चढ़ाना ही होगा। जाओ और एक बर्तन में पानी ले आओ। मैं जिम्मेदार नहीं हूं इस आदमी की हत्या का। इसका मतलब आप महाराज कैसर के वफादार नहीं हैं। खोल दो इसकी जंजीरें और इसे जाने दो। आजादी! 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 आजादी!
इसे कोड़े लगाओ, फिर सूली पे चढ़ाओ। बांधो। सरीन का शमोन, ये उठाओ और ले चलो, चलो जल्दी।
इसने दूसरों को बचाया। अगर ये सचमुच मसीहा है, ईश्वर की संतान है, तो देखें ये खुद को कैसे बचाता है। देखो ये रहा तुम्हारा बेटा। और ये रही तुम्हारी मां। ईश्वर परमात्मा, आपने मुझे क्यों त्याग दिया? इसके बाद यीशु को पता था कि सारा काम खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा, मुझे प्यास लगी। पास ही सिरके से भरा एक बर्तन पड़ा था। उन्होंने एक कपड़े को उसमें डुबोया और उसे उनके होंठ पर रख दिया। अगर तुम यहूदियों के राजा हो तो खुद को बचा क्यों नहीं लेते? तुम तो मसीहा हो ना, फिर इतनी तकलीफ क्यों झेल रहे हो? क्या तकलीफ झेलते हुए तुम्हें परमात्मा से डर नहीं लगता? हमें तो अपने जुर्मों की सजा मिल रही है, अपने पापों की। हमने जो गलत किया है आज उसका सिला भुगत रहे हैं, लेकिन आप तो पूरी तरह बेकसूर हो। मुझे याद रखना यीशु, याद रखना जब आप अपनी सत्ता में आए। आज मैं तुमसे कह रहा हूं, आज ही के दिन तुम मेरे साथ स्वर्ग में जाओगे। और फिर यीशु ने जोर से चिल्लाकर
छोड़ दिए। सूरज काला पड़ गया, धरती कांपने लगी, मंदिर का पर्दा दो हिस्सों में फट गया, ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा। पिता परमेश्वर, मैं अपनी आत्मा आपको सौंपता हूं। सब खत्म हो गया। ताकि सबत के दिन ये तमाम लाशें सलीब से लटकी ना रहें, एक सिपाही ने यीशु की बगल में भाला घोंप दिया और खून और पानी बाहर आ गया। अरिमथेया के यूसुफ, मैं इजाजत लेने आया हूं कि यीशु की लाश को दफना दिया जाए। बताइए क्या करें। लेकिन तुम भी तो संसद के सदस्य हो। जी हां, यह सच है, पर मैंने उनकी गतिविधियों और फैसलों का विरोध किया। लेकिन किस आधार पर? मैं ईश्वर की सत्ता का इंतजार कर रहा हूं। क्या यीशु की मौत हो गई? हाँ। मैं एक पहरेदार भेजता हूं। मैं उन्हें अपने निजी मकबरे में दफना दूंगा। ठीक है, मैं इस आदमी यीशु के बारे में और कुछ नहीं सुनना चाहता। जो औरतें गलील से यीशु के साथ यहाँ यरूशलम तक चली आई थीं, वे उनके साथ गई यूसुफ के पीछे। उन्होंने कब्र देखी और ये भी देखा कि उन्हें किस तरह दफनाया जा रहा है। Thank you.
और सत्य पर उन्होंने आदेश के अनुसार आराम किया। लेकिन सप्ताह के पहले दिन एकदम सुबह सुबह वो कब्र पर आए और साथ में लाए अपने बनाए तरह तरह के मसाले यीशु को चढ़ाने के लिए। वहां देखो, देखा तुमने? तुम लोग मुर्दों के बीच जिंदा इंसान को क्यों खोज रही हो? वो यहां नहीं है, वो उठ खड़े हुए हैं। याद है जब वो गलील में थे तो क्या कहा था उन्होंने तुमसे? ईश्वर के बेटे को आखिरकार पापियों को सौंप दिया जाएगा, जहां उसे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा, लेकिन वो तीसरे दिन फिर से जी उठेगा। हमें सबको बताना होगा। ठीक है, चलो चलो। कौन है वहां? दरवाजा खोलो, कुछ कहना है। हम आए हैं, वो जीवित हैं, वो फिर से जी उठे हैं। मकबरा खाली है, वो जी उठे हैं। क्या? मकबरा खाली है, वहाँ हमें स्वर्ग दूत मिले, लेकिन मकबरा खाली था। वो जी उठे हैं, वो जी उठे हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं सच कह रही हूँ, वो जी उठे हैं, मेरा यकीन करो। क्या ये सच है? हाँ ये सच है। पुत्रोस, तुम्हें शांति मिले। इतने परेशान क्यों लग रहे हो? तुम्हारे मन पर शक के बादल क्यों छाए हैं? मेरे हाथ देखो, पैर देखो। हां, ये मैं ही हूं। तुम छूकर तसल्ली कर सकते हो। किसी आत्मा की बदन और हड्डियां नहीं होती, पर मेरी हैं। यहां कुछ खाने मिलेगा? जब मैं तुम्हारे साथ था तो मैंने इसी दिन के बारे में बताया था कि मेरे बारे में जो कुछ भी लिखा गया है वो मूसा के कानून, पैगंबरों और भजनों की पुस्तकों के मुताबिक होगा। यानी मसीहा को तकलीफ झेलनी ही है और मौत के तीसरे दिन जी उठना है। इन लोगों के सामने उन्होंने खुद को जिंदा दिखाया, तकलीफें झेलने के बाद।
40 दिन तक उनके कई पक्के सबूत दिखाए और उनके साथ रहे। उन्होंने ईश्वर की सत्ता के बारे में बहुत कुछ बताया। यरूशलम छोड़कर मत जाना, सब यही रुकना और परमपिता के वादों के पूरे होने का इंतजार करना जिनके बारे में मैंने बताया। मुझे स्वर्ग के सारे अधिकार दिए गए हैं और धरती के भी, इसीलिए जाओ और सभी देशों में शिष्य बनो, उन सभी लोगों का बपतिस्मा करो परमपिता, उसके बेटे और पवित्र आत्मा के नाम पर, उन्हें अपने साथ जोड़ो, उन्हें शिक्षाएं दो, मैं साथ रहूंगा संसार के खत्म होने तक। गलील के लोगों, तुम आसमान की तरफ देखते क्यों खड़े हो? यीशु जो आसमानों की तरफ चले गए हैं वो ऐसे ही वापस आएंगे जैसे तुमने उन्हें आसमान की तरफ जाते देखा।